एक बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है बिहार के रोहतास से, जहां सोन नदी पर हमारी मौजूदगी है। और इस सोन नदी में ठीक हमारे पीछे देखिए बड़ी तादाद में यहां ट्रक फंसे हुए हैं। तकरीबन 30 ट्रक यहां पर सोन नदी की बीच धार में फंसे दिखाई दे रहे हैं। कुछ ये रास्ता है जो टूट चुका है और बताया जा रहा है कि बालू लेकर ये ट्रक यहां से निकलना चाह रहे थे, लेकिन अचानक डैम का पानी खोल दिए जाने के बाद ये तमाम ट्रक इस बीच सोन नदी में ही फंस गए। और ये देखिए रास्ता किस तरह से टूटा हुआ है। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी विकास ठाकुर दिखा रहे हैं, दूर तक एक ट्रकों का लंबा काफिला है जो सोन नदी के बीच मझधार में फंसे हैं। और ऐसे में कुछ ट्रक तो पूरी तरीके से डूबते भी दिखाई दे रहे हैं। और ये दूर की तस्वीरें देखिए कैसे कुछ ट्रक जो है आधे से ज्यादा डूबे दिखाई दे रहे हैं। और मेरी दाईं तरफ अगर नजारा देखें तो इस सोन नदी के दाईं तरफ में कई ट्रक हैं जो आधे से ज्यादा डूब चुके हैं। कुछ ट्रक बताया जा रहा है कि अभी भी लापता हैं, जिनका अब तक ये पता नहीं चल पाया कि ये ट्रक कहां गायब हो चुके हैं। कई लोग हैं जहां गोताखोरों को बुलाया गया है ताकि इसका पता लगाया जा सके कि किस तरीके से ये पानी का बहाव यहां रुक सकेगा। कुछ लोग जो हैं वो लगातार यहां पर इस रास्ते को बनाने के काम में भी जुटे हुए हैं और ये लगातार काम यहां पर भी जारी है। कुछ लोग जो है, हम तस्वीरें दिखाएंगे, इस तरफ दिखाएं विकास, किस तरीके से ये रोज बोरियां जो है ये भरी जा रही है और बालू भर करके इसे अब रास्तों को पाटने की कोशिश होगी। कुछ मजदूर लगाए गए हैं, यहाँ सीओ भी कुछ देर पहले पहुंची थी अनामिका कुमार, उन्होंने कहा है कि हम तेजी से इस रास्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन ट्रकों को सुरक्षित निकाला जाए। लेकिन दूर तक ये नदी देखिए आप, जिस तरीके से ये सोन नदी के किनारे अब ये रास्ता टूट चुका है, 30 ट्रक यहाँ पर फंसे हुए हैं। कुछ मजदूर लगाए गए हैं ताकि इस तरह से वो बालू भर करके इस रास्ते को बना सके, लेकिन ये रास्ता देखिए किस तरीके से टूटा हुआ है। कुछ ट्रक ड्राइवर है ट्रक के आगे अभी भी खड़े हुए हैं ताकि कुछ रास्ता उन्हें बनता हुआ दिखाई दे और अपने उस ट्रक को सामने से वो ला सके। लेकिन इस ट्रक के पीछे देखिए कुछ ट्रक है पूरी तरीके से डूबे हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और ये हुआ है 29 और 30 तारीख की दरमियानी रात को। बताया जा रहा है कि आधी रात को अचानक डैम का पानी छोड़ा गया और यहाँ पर जब अचानक आधी रात को पानी भरने लगा तब अपनी जान बचा करके ट्रक ड्राइवर से यहाँ से भागे हैं और उनके ट्रक बालू से लदे हुए बीच सोन नदी में इसी तरह से खड़े रहे। अब जबकि ये पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है, आशंका ये है कि ये पानी अब धीरे धीरे बढ़ता हुआ इन तमाम ट्रकों को अपनी आगोश में ले लेगा या फिर बहा कर ले जाएगा। कुछ ट्रक लगातार अब डूबते भी चले जा रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं कैसे ये रास्ता टूटा और यहां से अब ये ट्रक जो है एक के बाद एक इसमें फंसते चले गए थे। बताया जा रहा है कि 30 तारीख तक लीज की लास्ट डेट थी और इसीलिए आधी रात तक धुलाई का काम ये पूरा कर लेना चाह रहे थे, लेकिन इसी बालू ढुलाई के लालच ने यहाँ कई लोगों की जान जोखिम में डाल दी। और ये नजारा देखिए कैसे ट्रक फंसे हुए हैं, अभी भी आधे से ज्यादा डूबे कई ट्रक नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे भी देखिए किस तरीके से ट्रक बड़ी तादाद में डूबे दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रकों का एक लंबा काफिला है। ये सोन नदी के बीचों बीच ये ट्रक फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लीज के जरिए यहाँ से बालू का खनन होता है और इसी के लिए बड़ी तादाद में यहाँ ट्रकों की मौजूदगी थी। और मेरी दाएं बाईं तरफ इस तरफ से अगर हम देखें तो यहाँ पर इनपुरी ये डैम बना हुआ है। बताया गया कि ऊपर कैमूर की पहाड़ियों में अचानक बरसात होने के बाद डैम लबालब भर गया और फिर इसके कई गेट खोलने पड़े थे, इसीलिए अचानक पानी सोन नदी में बढ़ता चला गया। लेकिन अब कई पॉकलिन मशीनें लगाई गई है ताकि वो रेत को इसमें पाट करके रास्ता बना सके और ये ट्रक यहाँ से सुरक्षित निकाले जा सके। तकरीबन 40 से 60 लाख रुपए कीमत के एक एक ट्रक जो यहाँ बड़ी तादाद में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन का ये कहना है कि बहुत जल्द आज इसे निकालने के लिए ये रास्ता बना लिया जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी में दुकानों में भी पानी भर चुका है और इस पर ज्यादा जानकारी हम आपको लगातार देते रहेंगे। लेकिन 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 8 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से पूरे उत्तर भारत में पानी की वजह से, तेज बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। करौली राजस्थान की तस्वीरें, भिवंडी महाराष्ट्र में लगभग वही हाल है। गिर सोमनाथ गुजरात में भी नदियां नाले लबालब पानी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ग्वालियर में लोगों के घरों दुकानों के अंदर भी पानी भर गया है। तो कच्छ, पटना, अमरेली, हरिद्वार की तस्वीरें आप देख लीजिए, भले ही शहर अलग अलग है लेकिन तस्वीर एक जैसी है।
हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है और आसमानी आफत के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे मशक्कत करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। अहमदाबाद में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया है। पानी में दुकानों में, आपको बता दें कि जो लगातार तेज बारिश हो रही है, दुकानों के अंदर पानी भर चुका है, घरों के अंदर पानी भर चुका है। तो अहमदाबाद के कई इलाकों में इस वक्त पानी भरा हुआ है और तेज बारिश का अलर्ट अभी भी है। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो रास्ते हैं वहां पर पानी भर चुका है, लोगों के घरों तक पानी जा चुका है। ऐसे में मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली है, क्योंकि अभी मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है कि और बारिश होगी, यानी कि अगले दो से तीन दिन काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। हालांकि अहमदाबाद में तेज बारिश का अलर्ट जरूर जारी कर दिया गया है, गुजरात में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देखिए कि जो मेन रोड है और हाईवेज है उनके किनारे हालात इस कदर बुरे हुए हैं कि अब लोगों को घुटनों तक पानी से गुजर कर निकलना पड़ रहा है, और ऐसे में और ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ती चली जा रही हैं। हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। जनक, आप अहमदाबाद में कहां पर मौजूद हैं और इस वक्त क्या हालात हैं, क्या तस्वीरें आप हमें दिखाने वाले हैं? देखिए जसप्रीत, आज अभी मैं अभी अहमदाबाद से सटा हुआ चांगोदर GIDC इलाका है वहाँ पर हूँ। कल रात से हालांकि बारिश बंद हो चुकी है, लेकिन तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी भी 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी ये स्थिति है वहाँ पर। पानी अभी यहाँ पे अभी भी यहाँ से निकला नहीं जा सका है, चूँकि गटर लाइन है वो पूरी तरह से चौक हो चुकी है, और इसी के चलते और पहली बारिश में प्री मानसून जो स्ट्रेटेजी थी वो किस तरीके से फेल हुई है नगर निगम की और जितने प्रशासनिक एजेंसियों की। यहाँ पर देखिए, ये है दरअसल GIDC का इलाका जहाँ चांगोदर में, और ये देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ। इसके पहले भी हमने जो तस्वीरें दिखाई, अब मैं और कैमरामैन अनूप आपको दिखाएंगे कि देखिए आपको अंदर यहाँ से सड़क से अगर गुजरना है तो आपको घुटनों तक पानी से गुजरना होगा। ये स्थिति है पूरे चांगोदर और उसके आसपास के इलाकों में, और ये 12 घंटे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है बारिश नहीं हुई, केवल 4 इंच बारिश में ये स्थिति देखने को मिली है। देखिए अब जब भी कोई चल के आ रहा है सड़क से या कोई व्हीकल आता है तो किस तरीके से तस्वीरें यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। हालांकि अब तो थोड़ी धूप भी, हल्की सी धूप भी यहाँ पर निकलनी शुरू हुई है, लेकिन अभी भी जो लोगों की जो तकलीफ है वो कम नहीं हुई है। आज अहमदाबाद में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है, 4 जो ज़िले हैं जो जामनगर, देवभूमि, द्वारका, जूनागढ़ और कच्छ, वहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। उसके अलावा ऑरेंज अलर्ट भी दक्षिण गुजरात में ज़्यादातर शहरों में दिया गया है, ज़िलों में दिया गया है, और अहमदाबाद में ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। 4 इंच बारिश में ये स्थिति हुई थी, पूरी रात पानी भरा रहा, और ये तस्वीरें कहने के लिए काफ़ी है। अभी भी हालांकि बारिश रुक गई है, लेकिन लोगों की तकलीफें अभी भी जस की तस है। और इसीलिए जाना सवाल बना हुआ है कि किस तरीके से लोग अब इस बारिश में अपना जीवन यापन करें, क्योंकि अभी मानसून की शुरुआत हुई है। लेकिन जनक, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बारिश का पानी भरा हुआ है सड़कों पर, गलियों में, इसे पंप आउट करने के लिए क्या प्रशासन की ओर से कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था की गई है? देखिए पानी कम ज़रूर हुआ है कल के मुकाबले में, क्योंकि हम सुबह से जब आए इस इलाके में जब हम देख रहे थे तो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये रफ्तार अभी भी अगर देखा जाए तो अगले 1 से 1.5 घंटे बाद ये पानी पूरी तरह से यहाँ से निकलेगा। अभी भी मतलब 12 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है, क्योंकि कल रात से बारिश नहीं हुई, हुई तो भी बहुत बूंदाबांदी जितनी बारिश हुई पूरे इलाके में, 2 से 3 इंच बारिश हुई है पूरी रात में, लेकिन अभी भी पानी यहाँ पर भरा हुआ है। जो यहाँ से निकासी होनी चाहिए पानी की वो नहीं हो सकती है, और इसी के चलते लोगों की तकलीफें वही की वही है। यहाँ कहीं इंडस्ट्री जो पूरा जो GIDC इलाका है वहाँ पर कंपनीज हैं, बहुत सारी कंपनियाँ जिनका सामान पूरी तरह से खराब हो चुका है, और ये पानी यहाँ से इसी तरीके से लगे रहने के चलते लोगों को भी आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग यहाँ पर देखिए, दुकानें भी बंद है, लोग यहाँ पर नहीं है पहुँचे हैं, तो तकलीफें अभी भी मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि तकलीफें वहीं की वही है। लोगों की यहाँ से कल रात से ही यहाँ पर देखा जाए तो लोग यहाँ पर हैं जिनको ये ऊंचाई पर, ये पुलिस थाना है पीछे, पुलिस थाने में भी पानी कल घुसा था, तो ये पूरा जो GIDC का इलाका पानी पूरी तरीके से अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है, और ये पानी अभी भी कम होने में, हालांकि कोई प्रशासनिक लोग यहाँ पर नहीं आए हैं अभी। और जो
गुजरात के गीर सोमनाथ से भी इस वक्त एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। तमाम नदी नाले गीर सोमनाथ के उफान पर हैं और ऐसे में अब एहतियात बरतने के लिए भी चेतावनी जारी कर दी गई है। दरअसल बताया जा रहा है कि गीर सोमनाथ में उफनते नदी नालों के किनारे अब प्रशासन ने बोर्ड भी लगा दिए एहतियात के तौर पर, ताकि लोग किसी खतरे को निमंत्रण ना दें। और एहतियात बरतने की भी बात कही जा रही है, जो लो लाइन इलाके हैं यहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। और गीर सोमनाथ में भी मानसून के आने के बाद कई नदी नाले लगातार उफान पर देखे जा रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है, कुछ जिलों में रेड अलर्ट है, कुछ जगह येलो अलर्ट। और ऐसे में गीर सोमनाथ में भी बरसात के बाद लगातार नदी नाले उफान पर चलते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कुछ रास्ते पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिन रास्तों पर गाड़ियां चलती थी वहां अभी अब नाव चल रही है। लोगों को इन्हीं नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि गीर सोमनाथ में अब प्रशासन ने एहतियात के लिए कुछ जगह बोर्ड लगा दिए हैं, ताकि लोगों को हिदायत दी जा सके कि इन किनारों से दूर रहें, क्योंकि नदी नाले लगातार उफान पर हैं और ऐसे में कोई बड़ी आफत आ सकती है। गुजरात के कई जिले लगातार इसी तरीके से अलर्ट में हैं और यहां पर बता दिया गया है कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ को भी अलर्ट रखा गया है। और ऐसे में गुजरात के कई जिलों में लोगों से एहतियात बरतने की बात कही जा रही है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। बिहार के 33 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उफान पर चल रहे नदी और नालों से सड़कों से लेकर घरों तक में पानी अपना कब्जा जमा चुका है। मौसम विभाग के अलर्ट की माने तो अभी कुछ और दिन लोगों को बारिश के प्रकोप को झेलना होगा। तो राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें बिहार की, वहां पर भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और बारिश की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान फसलों को हो रहा है। अगर हम बाकी राज्यों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पर भी बारिश का अनुमान है। गुजरात से उत्तराखंड तक आसमानी संकट, गांव से लेकर शहर तक पानी का कब्जा, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। इन दिनों पूरे गुजरात में मानसूनी आफत कहर बनकर बरस रही है। भारी बारिश की वजह से प्रदेश में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से शहर के रिहायशी इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। शहर की गलियां छोटी नदी में तब्दील हो चुकी हैं और पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गुजरात के कई जिलों में ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा से सामने आई हैं, जहां मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। सड़कों पर सैलाब ऐसा टूटा कि मानो नदी ने अपना रास्ता बदल लिया हो। सड़क से लेकर घर सब पानी में डूबे नजर आए और सभी साधन धरे के धरे रह गए। वही मध्य प्रदेश में भी कुछ घंटों की बारिश ने कई शहरों को बेहाल कर दिया। ग्वालियर से आई तस्वीरें भारी बारिश से होने वाली तबाही को बयां कर रही हैं। भारी बारिश की वजह से वहां कुछ ही देर में ऐसा मंजर देखने को मिला। पानी के तेज बहाव और जल जमाव की वजह से कई इलाकों में बड़ी समस्या खड़ी हो गई। पहाड़ी इलाकों में भी हो रही भारी बारिश आफत बन गई। यहां पहुंचे सैलानियों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। नैनीताल से बेहद खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कई गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बहकर नाले में फंस गईं। जब गांव वालों ने प्रशासन को हादसे की जानकारी दी, तब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और लोगों का कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया। उधर राजस्थान के बांसवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया, तो वहीं भारी बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में पानी भर गया। सुबह ही बारिश हो जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया और लोगों से जरूरत होने पर ही घरों से बाहर निकलने की अपील की है। साथ ही राज्य सरकारों से किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। देश के 20 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। चलिए अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि कहां कहां बारिश का पूर्वानुमान है, कहां कहां बारिश का अलर्ट है।
सबसे पहले हम बात करेंगे पहले राज्य की, तो आपको एक एक करके हम आप में बताते हैं कि कहां कहां बारिश का अलर्ट है। इसमें उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट है। आप साफ तौर पर देखिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट और उत्तरी भारत के इलाके को देखेंगे जिसमें हिमाचल प्रदेश, उसके ठीक बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, सिक्किम, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल और झारखंड तक होते हुए ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो एक एक करके तमाम राज्य हम आपको बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पर मुसीबतें बेहिसाब हैं इन राज्यों में। क्योंकि अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर कई घटनाएं सामने आई हैं, वहाँ पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राजस्थान की, तो वहाँ पर भी बारिश की वजह से लोग पहले से ही बेहाल हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों तक लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है।